नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के लाजपत नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3-4 अज्ञात बदमाशों ने न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार फरीद शमसी के घर पर धावा बोल दिया, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाया। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग जब इकट्ठा हुए तो बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला कि अज्ञात बदमाश भू माफिया थे, जिनके खिलाफ पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार फरीद शमसी ने खबर को प्रसारित किया था। इसी के चलते भू माफियाओं ने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर पत्रकार के घर पर हमला किया था। सीओ कटघर महेश कुमार ने बताया कि पीड़ित पत्रकार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ धारा 143, 148, 149, 504, 506 और 307 में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। क्या कार्रवाई हुई उसमें? उसमें लगातार पुलिस द्वारा दबिश, कल जो सूचना आई थी उसमें दबिश दी गई थी और तहरीर जो प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें जितने भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक सभी लोग फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, बताया जा रहा है 2 तारीख को फरीद शमसी द्वारा कप्तान के एक लिखित कार्रवाई के लिए दे दिया गया था, 2 सितंबर को भी थी, और 13 तारीख को हमला हो जाता उन भू माफियाओं द्वारा। तो कहीं ना कहीं वहाँ कटघर थाने की पुलिस लाजपत नगर चौक इंचार्ज की कार्यशैली पर भूमिका पर सवाल उठते हैं, क्योंकि वहाँ पुलिस मौजूद थी, सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। जो 2 तारीख को कंप्लेंट जो दी गई थी उसमें एक जो भूमि है जो पार्किंग के रूप में प्रयुक्त की जा रही थी उसके खिलाफ शिकायत की गई थी, तो उसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस प्लॉट को सील कर दिया गया था, ताला लगा दिया गया था। तो जो उसमें जो समस्या जो प्रकट की गई थी वो सॉल्व करी गई थी, तो उसी से लगता है कि जो कुछ लोग नाखुश थे उसकी वजह से कल शायद ये जो पत्रकार थे इन पर घटना करी, इसी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और ये जितने भी लोग इसमें नामजद किए गए हैं उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थैंक यू।